नहीं लगातार जो हड़ताल चल रही है और हमेशा जो है आश्वासन मिल रहा है सिर्फ निगम की तरफ से, क्या कहना है इस बड़े मुद्दे को? आज जो पूर्वी दिल्ली का हाल है बहुत बुरा है, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा, गंदगी गंदगी। इसका कारण यह है कि जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, भाई बहन हैं, वो आज इतने परेशान हैं कि उनको ये आंदोलन करना पड़ा और सड़कों पर उतरना पड़ा। मेरा मानना तो यह है कि जो ये आंदोलन चल रहा है, जो सड़कों पर आकर उनको अपनी आवाज उठानी पड़ रही है, तो मेरे को लगता है कि जायज है। वो लोग इतने दिनों से इतने परेशान हैं, उनकी मांग क्या है कि जो लोग कच्चे हैं उनको पक्का किया जाए और जो उनकी बकाया राशि है उनको दी जाए, तो ये मांग मुझे लगता है जायज है, कुछ वो गलत नहीं करे। एक सफाई कर्मचारी ही ऐसे है जो सच्चे मन से, मुझे लगता है कि बहुत दिल से, सुबह सुबह उठ के आप लोग सोते रहते हो और वो लोग सफाई करते हैं, पूरी दिल्ली को उन्होंने साफ करने का बेड़ा उठा रखा है। आज मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को अगर कोई दिशा दे रहा है तो वही लोग हैं। लेकिन आज क्या है कि आज वो इतने लोग परेशान हैं, मुझे उनका दुख देखा नहीं जा रहा कि मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ करना चाहिए, राजनीति से परे हटकर उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। वो लोग अपना घर कैसे चलाएं, उनको तनख्वाह मिलने में भी इतना टाइम लग जाता है, 3-3 महीने में उन लोगों को तनख्वाह मिलती है, वो लोग इतने परेशान हैं तो कहां जाएं। यहां पर राजनीति चल रही है कि केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी, लेकिन उनके बारे में सोचेगा कौन? केजरीवाल जी अपने विधायकों की तनख्वाह के लिए 1-1 साल में उन्होंने 1 करोड़ 10 करोड़ का कर दिया, लेकिन उनको सफाई कर्मचारी को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये मैं सोचती हूँ कि बहुत गलत है, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले ऐसा कभी दिल्ली का हाल नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है। बहुत देख कर शर्म आ रही है और अपने आप पे भी शर्म आ रही है कि हमें इस इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठना नहीं चाहिए। एक मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, डिप्टी मेयर हूँ, तो मुझे भी आज शर्म आ रही है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि हमें राज्य सरकार से कोई फंड नहीं मिल रहा ताकि हम लोग इनकी मदद कर सके। तो बहुत आज अपने आप में भी बहुत शर्म आ रही है, इसलिए मैं आप लोगों तक ये बात रखना चाहती हूँ। धन्यवाद।